जबलपुर में मस्जिद तोड़ने पहुंचे वीएचपी बजरंग दल के लोगों को पुलिस ने रोका, दिया कार्रवाई का आश्वासन। बरेली के केला डांडी में मस्जिद की दीवार तोड़ी, मुस्लिमों के घरों पर हमला। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाई जा रही नफरत की लहर अब धीरे धीरे चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। आइए आज की खबर में हम आपको दो अलग अलग खबरें बताने जा रहे हैं। एक है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, तो दूसरी है उत्तर प्रदेश के बरेली के केला डांडी गाँव की। पहली खबर जबलपुर के रांची इलाके में मड़ई गाँव, यहाँ पर एक मस्जिद है और इस मस्जिद को हिंदू संगठनों का आरोप है कि इसे अपनी जमीन छोड़ करके गायत्री मंदिर की दूसरी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। अब पुलिस ने इसको सील करके रखा है। सील करने के बावजूद यहाँ पर 29 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई धार्मिक कट्टर संगठनों के लोग हजारों की तादाद में इस मस्जिद को तोड़ने पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेड लगा करके इन्हें रोका और इन्हें वापस किया। साथ ही इन संगठनों का क्या यहाँ पर आरोप है, कैसे भारतीय नागरिकों को अब आम तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बनाने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है लगातार। महाराष्ट्र में उसको नीतीश राणे कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग कर रहे हैं, जिसका ये एक उदाहरण है कि मस्जिद के आड़ में अब मुसलमानों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी बोला जा रहा है। मस्जिद को विवादित कर दो, उसको गिराने के लिए एक भीड़ लेके चले जाओ, उसके बाद इस मस्जिद का इस्तेमाल करने वाले, वहां अपनी इबादत करने वाले और उसके आसपास रहने वाले मुस्लिम आबादी के मुसलमानों को रोहिंग्या बांग्लादेशी ठहरा दो। ये जबलपुर की खबर देखिए। करेंगे आप जहां बोलेंगे हमारे कार्यकर्ता आपके लिए समक्ष खड़े होंगे, लेकिन इस विवादित स्थल पे आज के बाद से कोई आवागमन ना हो इसकी आप चिंता करें। सील करने के लिए आज ही उन्होंने कह दिया है, आज से वहां पर कोई भी आवागमन नहीं होगा जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी। सभी कार्यकर्ता कृपया कर दूरी बनाए थोड़ी सी। अगर हम नहीं हटा पा रहे हैं, शासन अगर नहीं हटाएगा, तो ये तो अभी एक जिले का ट्रेलर है। जब जब विभाग का आंदोलन करूंगा तो फिर तोड़ देगा, ये निश्चित है। ये आज चेतावनी थी कि निरंतर हमारे द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, एक बार तहसील कार्यालय का हमने बंद किया, तालाबंदी करी, निरंतर दो वर्षों से हम ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस ज्ञापन पे क्या कार्रवाई हुई ये आज तक हमें पता नहीं चला। आप सभी को समझिए इस विषय को पूरा। हमारा यहाँ आने का मकसद है जन जागरण करना, लोगों को जागृत करना, समाज को जागृत। We'll be right back.
हमारे जिला मंत्री, जिला संयोजक विश्वेंदु प्रसाद बजरंग दल निरंतर ये मांग उठाते आ रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि काशी विश्वनाथ में अवैध रूप से कब्जा, अयोध्या में अवैध रूप से कब्जा, मथुरा में अवैध रूप से कब्जा किया गया, उसी की पुनरावृत्ति जबलपुर के बीकल मड़ई में की गई। आपकी भूमि को छोड़कर आपने बाजू की 3000 स्क्वायर फीट भूमि जो कि गाल गायत्री मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड थी उसके ऊपर अवैध कब्जा करके आपने अपने वहाँ पर कुकृत्य चालू किए। मैं सीधी भाषा में कहता हूँ, आपका आवागमन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का यहाँ पर आतंक होना चालू हो गया, दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ रहने लगे, जिनका आधार कार्ड या कोई भी चीज़ मांगी जाती थी तो वो यहाँ लोकल की नहीं निकलते थे। इस मड़ई बीकल क्षेत्र में इतना आतंक बढ़ गया है, रिछाई में लूटपाट होने लगी, मड़ई में लूटपाट होने लगी, चाकूबाजी होने लगी और पुलिस को आज तक नहीं पता चल पाया कि अपराध कहाँ से बढ़ रहे। हमने विवादित स्थल जो कि 3000 स्क्वायर फुट भूमि को विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा कब्जा करके वहाँ पर अपना कार्य किया जा रहा है, बीकल फैक्ट्री जो कि सरकारी है उसका बिजली और पानी का उपयोग दुरुपयोग। अब आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से केला डांडी गांव है, यहां पर एक मस्जिद है। पिछले 3 महीने से इस मस्जिद पर पुलिस ने ताला लगा रखा है क्योंकि मस्जिद का कुछ हिस्सा अवैध रूप से निर्माण किया गया है। पुलिस ने इसके बैरिकेडिंग के लिए खुद दीवार बनाई तो हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। इतना ही नहीं, शुक्रवार 27 सितंबर को इस मस्जिद की एक दीवार भी जो है हिंदू संगठनों के और गांव के सभी हिंदू धर्म जाति के लोगों ने पहुंच करके इस दीवार को तोड़ा। इतना ही नहीं, आसपास के मुसलमानों के मकानों पर हमला भी किया। यहां पर मुसलमानों ने बताया, मीडिया से बात की, महिलाओं ने बात की कि मस्जिद में घुस गए, मकानों पर हमला किया गया है, मस्जिद में तोड़फोड़ भी की गई, दीवार गिराई। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। दीवार तोड़ने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे पुलिस रात में पकड़कर ले जाती है और फिर उन्हें छोड़ देती है, ऐसा भी आरोप मुस्लिम समाज द्वारा यहां पर लगाया गया है। तो मुस्लिमों के लिए जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं उसमें तेजी आती जा रही है। मुसलमान जो है वो ढाबों पर जाने में, रील बनाने में, सोना पहनने में, बैंकों में अकाउंट खोलने में व्यस्त है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में व्यस्त है और धीरे धीरे अपनी पहचान खोने में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज दिनांक 27/9/2024 को थाना केलड़िया के ग्राम केला डांडी में दोपहर को एक विवादित स्थल की दीवार को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धक्का देकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तत्काल पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था स्थापित की गई। 12 लोगों को 170 BNSS के अंतर्गत चालान किया गया तथा पर्याप्त पुलिस बल लगाकर शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है। अग्निविधि कार्रवाई की Thank you.